प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रभारी राधामोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर इसमें मौजूद हैं। वे प्रदेश पदाधिकारियों से कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रभारी राधामोहन अग्रवाल के साथ और कौन कौन इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक के क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा रही है? देखिए, बीजेपी जो जयपुर का कार्यालय है उसमें आज दूसरा दिन है बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जो प्रदेश प्रभारी है राधामोहन अग्रवाल वो बैठक ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बैठक में मौजूद है, समेत जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। क्योंकि बीजेपी तमाम संगठनात्मक जो मुद्दे होते हैं उनको बड़ी बारीकी से आगे लेकर चलती है, और इसके अलावा क्योंकि जो सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है उसकी समीक्षा भी हो रही है। इसके अलावा समीक्षा जो सदस्यता अभियान बीजेपी चला रही है उस अभियान में अब तक क्या गति हुई है, आगामी दिनों में इसको किस तरह से और आगे तेजी से बढ़ाया जाए, और जो विधानसभा की जो खाली हो चुकी जो उपचुनाव है उन सीटों पर उन पर भी यहाँ मंथन किया जा रहा है। क्योंकि पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों से तमाम फीडबैक भी लिया जाएगा, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी जाती है। अलग अलग जगह वो जो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ उपचुनाव होने हैं उनको लेकर भी इसमें फीडबैक दिया जाएगा। तमाम चीजें हैं जिन संगठनात्मक मुद्दे हैं, आगामी दिनों में पार्टी की संगठन की क्या रणनीति रहेगी, ऐसे मुद्दों को लेकर ये बैठक है। अलग अलग विभाग वार आईटी जो सोशल मीडिया है या फिर आईटी, क्योंकि अक्सर बीजेपी का ये कहा जाता है कि सोशल जो मीडिया है जो आईटी सेल है पावरफुल मानी जाती है, किस तरह से सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म किया जाता है, काउंटर किया जाता है, तमाम चीजों को। क्योंकि जिस तरह से संगठन में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल रहा है, आपने भी देखा कि प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, इसके बाद अब धीरे धीरे अन्य जो मोर्चे हैं उनमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। सारी चीजों की एक रणनीति के तौर पर ही बीजेपी संगठन उन चीजों को आगे लेकर बढ़ता है। तो आज की जो बैठक है उसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ ये चर्चा की जा रही है और आगामी दिनों की रणनीति भी उसमें तैयार की जा रही है। जी योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।